दोस्तों आज हमारे पास है हीरो की BS6 HF डीलक्स और ये बाइक चली है मात्र 15,000 किलोमीटर और मात्र एक साल की ये बाइक है और इसमें बहुत बड़ी कमी आ गई है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, जिससे अगर आप इस बाइक को खरीदें और ऐसी अगर कोई समस्या आती है तो आप उसको कैसे खत्म कर पाएंगे उस समस्या को, या फिर आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं हीरो HF डीलक्स BS6 के बारे में कि इसमें कौन कौन सी कमियां आती हैं। आप देखेंगे प्रोग्रामेड FI इस पर लिखा हुआ है और यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, मतलब ये BS6 बाइक है और ये मात्र एक साल पुरानी बाइक है। और इसमें जो समस्या आई है, जब से हीरो होंडा का जन्म हुआ है और ऐसे इंजन के साथ बाइक आ रही है, तब से ये समस्या बहुत सारी बाइकों में आई है, लेकिन अभी तक हीरो ने इसमें कोई भी सुधार नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई समस्या कौन सी है। तो आप देखेंगे इसमें, पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये इंजन चेक लाइट है, BS6 बाइक है, न्यूट्रल में ये बाइक है ऑलरेडी। और मैं स्टार्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ, मतलब इसमें गियर नहीं लग रहे हैं। पहले मैं खड़े में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी गियर नहीं लग रहा है। इतना लगाने के बाद आप देखेंगे न्यूट्रल है और मैं पहिया घुमा देता हूँ, इसमें गियर नहीं लग रहा है। इतना करने के बाद भी गियर नहीं लग रहा है। और उसके बाद मैं जैसे इसको स्टार्ट करके दिखा दूँ, इसमें पहली बात तो इसका क्लच भी इतना ज़्यादा टाइट है, जैसे जहाँ सर्विस होती है सर्विस सेंटर में पता नहीं क्या करते हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ क्वालिटी आप देख लें, एक साल में ही ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और दूसरी चीज़ देखें कि जैसे ये फुटरेस्ट कितने लोएस्ट क्वालिटी के होते हैं, खैर भाई सस्ती आती है, और जिससे ये इसका ये निकल गया है। अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा और आप देखें कि बाइक स्टार्ट हो चुकी है और आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई गियर नहीं लग रहा है। अब गियर ही नहीं लग रहा है तो ये बाइक चलेगी कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये BS6 बाइक है और कोई भी व्यक्ति अगर विदाउट सेल्फ बाइक खरीदता है, मतलब कि किक स्टार्ट बाइक को खरीदता है, तो इसका मतलब उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं, बजट उतना होता नहीं है, इसलिए वो किक स्टार्ट खरीदता है। और जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि उसमें गियर ही ना लगे और उसको पैदल धक्के खाने पड़े, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो इस पर थोड़ा सा हीरो को ध्यान देना चाहिए। अब हम इसका क्लच खोलेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई है। तो जब मैं इसका क्लच खोल लेता हूँ, सारी चीज़ें आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसमें एक ये स्टॉपर पत्ती होती है जिसकी वजह से गियर लगना बंद हो जाता है, तो कभी कभी ये टूटती है। लेकिन आप देखेंगे 15,000 किलोमीटर में ये स्प्रिंग टूट चुकी है और इसकी वजह से इस बाइक में गियर नहीं लग रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना क्वालिटी कम दे रहे हैं हीरो वाले कि 15,000 किलोमीटर में ये स्प्रिंग टूट गई है। और ये आप देखेंगे, तो इसकी वजह से इस बाइक में गियर लगना बंद हो गए हैं। और स्थिति आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने फ्री सर्विस जो कराई होगी, उनको क्लच इसका खोलना था और खोलने के बाद जैसे वो इसको साफ भी कर देते, साथ में इसका रोटर फिल्टर साफ कर देते, तो फिर ऐसी हालत नहीं होती। आप देखेंगे कितना बुरी हालत है 15,000 किलोमीटर पर इस बाइक की। तो अब हम इस स्प्रिंग को लगाते हैं और आपको बताते हैं कि गियर लगना शुरू हुआ या फिर नहीं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यही वो हीरो HF डीलक्स BS6 है जिसमें गियर की प्रॉब्लम आई थी। आप देखेंगे ये 15,000 चली हुई बाइक है और अब हम आपको दिखाएंगे कि बनने के बाद इसमें गियर कैसे लग रहा है। तो राहुल इसको स्टार्ट करो एक बार, और ये स्टार्ट हो चुकी है एक ही किक में। और इधर आप देखेंगे प्रोग्रामेड FI और अब लगाओ गियर भाई। बंद कर दो एक बार गाड़ी और पहिया घुमा के गियर लगा के दिखाओ। बस बस, तो आपने देखा कि एक छोटी सी स्प्रिंग टूट गई थी इस बाइक में जिसकी वजह से इसमें गियर नहीं लग रहा था।
तो मुझे लगता है कि इस स्प्रिंग पर हीरो कंपनी को ध्यान देना चाहिए, जिससे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये कम्यूटर श्रेणी की बाइक है। लोग जैसे अपना काम चलाने के लिए इन बाइकों को लेते हैं, और इतना जैसे उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता था। और ये BS6 बाइक है, एक साल या डेढ़ साल की बाइक है, और इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो अगर आपकी बाइक में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको जाकर हीरो के सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं और बनवा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कोई कितना लेता है आपसे पैसे, कोई कितना लूटता है। जैसे कि हो सकता है आपको बताया जाता कि इसका जैसे लीवर खराब, लीवर जो स्प्रिंग हमने इसको बनाकर लगा दिया, हो सकता है वो आपको बताया जाए कि भाई पूरा गियर लीवर के साथ स्प्रिंग आती है, तो लगभग 500-600 रुपये इसमें लगा दिए जाएँ, और क्लच प्लेट आपसे चेंज करने के लिए कह दें, पूरी पैकिंग चेंज करने के लिए कह दें, इंजन ऑयल चेंज करने के लिए कह दें, तो हो सकता है वो 1000-2000 का भी बिल बना सकते हैं, और नहीं तो 200 रुपए में भी ये बाइक बन सकती है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस जगह पर रहते हैं, आपको कितना लूटा जाता है, ये उस जगह या उनके ऊपर है। तो ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी वाली आती रहेंगी। चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप देखेंगे कि ये बाइक अभी एक साल डेढ़ साल पुरानी है, लेकिन कलर कितना डल हो रहा है, तो इसलिए आपको BPM मोटो केयर का M2R+ पॉलिश और शैम्पू और माइक्रोफाइबर क्लॉथ का उपयोग करना चाहिए, जिससे आपकी बाइक हमेशा चमकती रहे और उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप, हाँ, मैं बताना आपको भूल गया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उनको खरीद सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।